नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू और आप देख रहे हैं टेक्निकल सोनू टेक चैनल। दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल आप सभी प्लम्बर के लिए। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉयलेट वाला एरिया है और यहाँ पे मैं आज आपको फ्लश लगाना सिखाऊंगा, यानी कि सिस्टम जो डिब्बा नुमा होता है वो इंस्टॉल करना मैं आपको सिखाऊंगा। और यहाँ पे जो फ्लश लगेगा ना, वो देख लीजिए आप कौन सा है। पहले ये देखिए यहाँ पे है, ये किसी भी ब्रांड का नहीं है, इसको मैंने खुद बनाया है। ठीक है, किस तरह से बनाया जाता है इसको, इसका वीडियो मैंने दिया है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका, वहाँ से क्लिक करके आप देख सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं इसको पूरा बताया हूँ, समझाया हूँ कि यहाँ पे आप किस तरह इसको आप बना सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये इस तरह से इंस्टॉल होगा। देखिए ये वाला जो है आउटलेट है और ये वाला इनलेट है, यानी कि पानी यहाँ से भरेगा और यहाँ से आउटलेट होगा, यानी कि पानी यहाँ से गिरेगा आपका जो सीट होगा उसमें। ठीक है, बिल्कुल सेम उसी की तरह काम करेगा जो आपको अपना जो कंपनी बना के देती है, जैसे हिंदवेयर का हो गया, जैगुआर का हो गया, यहाँ पे जो सिस्टम लगता है सेम उसी की तरह काम करेगा। फ्लश करने के लिए ऊपर देखिए यहाँ पे ये नॉब दिया हुआ है, यानी कि बटन जो है वो यहाँ पे है। खोल के मैं आपको इसको दिखा देता हूँ एक बार और। ये देखिए ये कवर है, लेबल अगर आपको सेट करना है तो यहाँ से करेंगे, सेट करना भी अभी मैं आपको बताऊँगा। ये देखिए इसको मैं खोल लिया, देखिए कुछ इस प्रकार यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब ये पानी जब ऊपर भरता हुआ आएगा तो इस तरह से ऊपर आएगा, कट हो जाएगा। और ये वाला है फ्लश करने वाला नॉब, इसको भी मैं खोल देता हूँ। देखिए इसको मैं खोल दिया, अब जो फ्लश करने वाला अपना वो वाल्व है ना, वो देखिए अंदर यहाँ पे देख सकते हैं आप, देख सकते हैं साफ साफ। और ये वाला जो है ये एयर के लिए होता है। ठीक है, और अब देखिए ये नॉब पाइप में कुछ इस तरह एंड कैप में कट करके फिट किया गया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप बना सकते हैं, देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे हाफ फ्लश फुल फ्लश है। यहाँ पे देखिए कुछ टॉयलेट करने के बाद फ्लश करना है तो यहाँ से फ्लश करेंगे, ज़्यादा पानी फ्लश होगा। अब चलिए इसको इंस्टॉल करके देखेंगे दोस्तों कि इसमें जो है कितना पानी फ्लश होता है, कितना लीटर पानी यहाँ पे स्टोर होगा, सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, फ्लश करके इस फ्लश में 6 लीटर पानी स्टोर होता है, मैंने चेक किया था पहले। और यहाँ पे मैं आपको फ्लश करके दिखाऊंगा कि किस तरह से फ्लश हो रहा है, यहाँ पे प्रेशर की कमी है या फिर जो कचरा होगा अच्छी तरह से ये साफ कर पाएगा कि नहीं। देखिए ये पाइप है, इसको यहाँ पे इस तरह से डाल देना है। ठीक है, अब देखिए इसको मैं कुछ इस प्रकार यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको मैं यहाँ पे फिट कर दिया। अब इसको हैंग करने के लिए वाल में प्रॉपर, अगर यही फ्लश अगर आप लगाना भी चाहते हैं ना, तो यहाँ से इस तरह से कर देंगे तो ये पूरा हैंग हो जाएगा, वाल में चिपक जाएगा। यहाँ पे क्लैंप आता है 4 इंच वाला, वो लगा देंगे तो ये पूरा यहाँ पे हैंग हो जाएगा। ठीक है, अब हम कनेक्शन करेंगे, कनेक्शन करके मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए एंगल वाल है, सप्लाई यहाँ पे चालू है। ये देखिए वाशर यहाँ पे लगाना है, नहीं तो लीक करेगा। देखिए वाशर यहाँ पे लगाया, अब इसको यहाँ पे टाइट करेंगे। देखिए अभी ये हिल रहा है, ये जो सिस्टम है ना पाइप वाला, ये अभी हिल रहा है। तो मैं सिर्फ इसको दिखाने के लिए, टेस्ट करने के लिए आपको इस तरह से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आपको प्रॉपर अगर फिक्स ही करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लैंप लगा देंगे तो ये फिक्स हो जाएगा। अब देखिए सिस्टम जो है पूरी तरह से यहाँ पे इंस्टॉल हो गया है, कनेक्शन आप देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल है। ये वाला इनलेट है जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं आके कनेक्ट हुआ है, और ये वाला जो है ये आउटलेट है, यहाँ पे टॉयलेट में आके कनेक्ट है। यहाँ पे देखिए हिंदवेयर का टॉयलेट सीट लगा हुआ है। ठीक है, अब सप्लाई को ऑन करके मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पे ये किस तरह पानी इसमें भरेगा। देखिए ये एंगल वाल है, सप्लाई को यहाँ से मैं ऑन कर दिया और ऊपर देखिए यहाँ पे पानी भरना स्टार्ट हो गया है। देखिए पानी इस तरह से भरता हुआ ऊपर आ रहा है, और जब पानी भरता हुआ ऊपर आएगा तो ये ऑटोमेटिक, ये बाल जो है ना, बाल जो आप देख रहे हैं ये ऊपर उठेगा, ऑटोमेटिक ये कट हो जाएगा। ठीक है, और सपोर्ट के लिए मैं इसको पकड़े रखता हूँ क्योंकि सपोर्ट नहीं लगा है। अब पानी यहाँ पे भर रहा है और पानी का जो कनेक्शन है वो कुछ इस प्रकार है, यहाँ से भरता हुआ जब यहाँ तक भरेगा ना तो यहाँ इसके रास्ते, ये जो टी लगा है टी के रास्ते यहाँ तक आएगा। अब देखिए भरता हुआ आ रहा है, ये देखिए इस बॉक्स में पानी घुसा और अब देखिए ये बाल ऊपर आ गया है और पानी भरना यहाँ पे बंद हो गया है। दोनों का वाटर लेवल मैं आपको दिखाता हूँ सेम रहेगा, जितना पानी यहाँ पे राइट वाले में रहेगा उतना ही लेफ्ट वाले में भी रहेगा। देख सकते हैं यहाँ पे इतना पानी भरा हुआ है, ये देखिए यहाँ तक इतना पानी भरा हुआ है। अब चलिए मैं फ्लश करके आपको दिखाता हूँ। देखिए अब ये फ्लश वाला नॉब है अपना, ये यहाँ पे मैं इसको लगा देता हूँ। ये देखिए फ्लश वाला नॉब यहाँ पे लगा दिया और इसका कवर भी मैं लगा देता हूँ।
लेबल वगैरह अगर सेट करना हुआ तो इसको खोल के कर सकते हैं, यहाँ पे सॉल्वेंट नहीं लगा है, बस ये ऐसे ही है। चलिए अब मैं फ्लश करके दिखाता हूँ, दोनों ही फ्लश करूँगा, हाफ और फ्लश फुल। ये देखिए फ्लश किया मैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रेशर जो है, प्रेशर में कोई भी कमी नहीं है, क्योंकि 6 लीटर पानी यहाँ पे ये स्टोर हो रहा है इस वाले फ्लश में। और जो कंपनी बना के देती है हिंदवेयर का फ्लश और जगुआर वाला, उसमें 10 से 12 लीटर पानी आता है, ठीक है। तो यहाँ पे किसी भी तरह का कचरा होगा पूरा साफ हो जाएगा। देख रहे हैं ये जो है पीवीसी पाइप के जरिए बनाया हुआ फ्लश प्रॉपर वर्क कर रहा है, यहाँ पे प्रेशर में बिल्कुल भी कमी नहीं है। एक बार और मैं फ्लश करके आप दिखाता हूँ। अब वाटर लेवल अगर आपको सेट करना है तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसको ड्राइवर से इसको आप घुमा के इसका वाटर लेवल सेट कर सकते हैं। और भी ज़्यादा बढ़ाना है तो ये वाला जो बाल दिख रहा है, ठीक है, जिसमें ये बाल यहाँ पे लगा हुआ है, इसको लॉक को स्लाइड करके नीचे ऊपर करके भी सेट कर सकते हैं। चलिए भरने देता हूँ इसको मैं, उसके बाद फ्लश करके मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए पानी यहाँ पे भर गया है, फिर से मैं वापस फ्लश करके दिखाता हूँ। आप यहाँ पे सीट में देखना प्रेशर कैसा है, देखिए यहाँ पे आपने देखा प्रेशर जो है बिल्कुल भरपूर है, प्रेशर में कोई भी कमी नहीं है। तो अभी दोस्तों देखा आपने यहाँ पे ये वाला पाइप वाला पीवीसी पाइप वाला जो ये सिस्टम है, इसको मैंने आपको बनाना भी सिखाया, उसके बाद यहाँ पे फ्लश करके भी दिखाया, प्रॉपर ये वर्क कर रहा है, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट वीडियो था, एक ट्यूटोरियल था सभी प्लम्बर्स के लिए। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और उम्मीद करता हूँ जो कुछ भी एक्सप्लेन किया वो सब आपकी समझ में आया होगा। आपके पास कोई सवाल है या फिर कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन जरूर टाइप कीजिए, उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा मैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ फिर किसी अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।